हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एसी दिल्ली ब्लॉग। भाई आज हम आए हैं प्रगति मैदान में। यहाँ लगा हुआ है फोटो वीडियो फेयर एशिया 2023, यानी 2023 का सबसे बड़ा फोटो वीडियो फेयर लगा हुआ है प्रगति मैदान हॉल नंबर 12 और 12A के अंदर। तो यहाँ आने के लिए आपको सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट से उतर के आ सकते हैं। वहाँ पे आपको शटल सर्विस मिल जाती है जहाँ से आप बैठेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ फोटो वीडियो फेयर में आने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है जिसका QR कोड मैं दिखा दूंगा। आप घर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नाम फ़ोन नंबर वगैरह थोड़े बहुत डिटेल भरनी है आपको, और आप क्या काम करते हैं वो सब कुछ भरना है। फोटो से वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी बिजनेस करते हैं आप, तो आप ही के लिए लगा हुआ है ये फोटो वीडियो फेयर। और अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर किसी भी तरीके से कैमरा या फोटो से रिलेटेड काम करते हैं, तो उन सब की नई नई टेक्नोलॉजी या कैसे उस काम को आसान किया जाए वो सब कुछ अंदर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, नए नए बिजनेसेस के बारे में जो कि फोटो से रिलेटेड है। दिल्ली के अंदर ये मेला लगा हुआ है, मैं भी इसी काम को करता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर। तो भैया ये बैंड मिला है, अब ये बैंड पहन के अंदर विजिट करना पड़ेगा, और यही रजिस्ट्रेशन काउंटर से ही मिला है। और यहाँ पे पूरा एक मैप मिला हुआ है अंदर, कहाँ कहाँ कौन कौन से कैसे कैसे स्टॉल लगे हुए हैं वो देख सकते हैं हम। ये है एंट्री के लिए, आपको देखो रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है आपका। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लगभग 250 से ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे। बहुत सारे स्टॉल हैं, मतलब 250 स्टॉल मैं बता रहा हूँ आपको। और देखो कैमरे से रिलेटेड यहाँ बहुत कुछ मिलेगा आपको, नया कैमरा नया लेंस, यानी फोटोग्राफी बिजनेस करते हैं तो आपके लिए भाई परफेक्ट जगह है। तो दोस्तों एंट्री करते सबसे सामने अकर लॉन्ज लिखा हुआ है, यानी खाने पीने के लिए सबसे पहले ही लगा हुआ है, लॉन्ज में खाओ पियो। तो भैया अगर वेडिंग से रिलेटेड धंधा करते हैं तो आपके लिए देखो वेडिंग एल्बम्स, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट साइज भी यहाँ पे हैं। 13, 39, 17, 24, 12, 36, 12, 24, मतलब इन सब साइज़ में ये आपको यहाँ पे एल्बम डिज़ाइन मिल जाती हैं और प्रिंटिंग होती है यहाँ पे देखो। तो भैया यहाँ पे वेडिंग के जो बॉक्सेस होते हैं जिनमें एल्बम रख के दिया जाता है, उसके डिज़ाइन यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, यानी वेडिंग एल्बम इतने हैवी हैवी बॉक्सेस में पैक होके आते हैं आजकल, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भाई अगली दुकान पे यहाँ पे आए हैं, मतलब स्टॉल पे, यहाँ पे आपको स्टिकर प्रिंटिंग मशीन देखने को मिलेगी, और ये है कंपनी का नाम टेक्नोवा सुपर चार्जर फोटोज। इनकी वेबसाइट है technovaworld.com, उस पर भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो भैया ये 11 लाख की मशीन थी, और ये 15x23 इंच का ये प्रिंट करता है और वो कटिंग भी कर देता है उस फोटोज़ को जैसा आप चाहेंगे उस हिसाब से। तो ये मशीन 11 लाख की है विद GST इन्होंने बताया अभी अभी, और 600 GSM तक ये प्रिंट कर देता है। तो ये सब यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप भी दिल्ली से हैं और या फिर दिल्ली आए हुए हैं तो भाई ज़रूर आना, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 250 स्टॉल तो मैं नहीं घुमा पाऊँगा, मगर कुछ स्टॉल ज़रूर आपको घुमा के उनके, जैसे इनका मैंने वेबसाइट बता दिया, उस पर भी जाके आप डिटेल वगैरह चेकआउट कर सकते हैं अगर ये मशीन आपको लेनी है तो। तो भैया ये असमी कंपनी का प्रिंटर है, और ये PVC का जो कार्ड होता है वो प्रिंट करता है। और यहाँ पे ये मशीन मिल रही है सामने, और ये 45,000 की है, 45,000 की मशीन है। और उसमें जो ये कार्ड प्रिंट होता है, ये तो मैं नॉर्मल कार्ड दिखा रहा हूँ, ये PVC का कार्ड अगर होता तो ये 14 रुपये में प्रिंट करता है फ्रंट बैक दोनों विद कार्ड, मतलब ये कार्ड भी इन्हीं का ही होगा, बहुत बढ़िया। तो इतना सस्ता ये कंपनी का है, और इसमें ये कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह है अगर आपको ये मशीन लेनी है 45,000 की, यहाँ इन्होंने बताई है, बाकी आप बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हैं। आधार कार्ड ये देखो भैया, और ये भैया हैं कहाँ से, द्वारका सेक्टर 7 से हैं, दिल्ली से ही है। तो अगर आपको इस तरीके का कोई बिजनेस डालना है तो ये कांटेक्ट कर सकते हैं कंपनी, और ये रहा फ़ोन नंबर। तो दोस्तों अगले स्टॉल पे हम आए हैं जिसका नाम है एडिट जोन। ये देते हैं यहाँ पे बने बनाए प्रोजेक्ट, अगर शादी की एडिटिंग वगैरह आप करते हैं या इन्विटेशन वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, यानी ट्रेनिंग भी देते हैं, और प्लस साथ ही साथ आपको हार्ड डिस्क के अंदर बना बना के आपको प्रोजेक्ट डेमो दे देंगे जिसके अंदर खाली आपको अपनी वीडियो डालनी है, और यहाँ पर बनी बनाई शादी की पूरी पूरी वीडियो तैयार हो जाती है। जिसका प्रोजेक्ट का प्राइस इनका 8,000 रुपये प्रोजेक्ट का प्राइस होता है इनका, और प्लस हार्ड डिस्क का प्राइस जो भी होता है, तो वो ये ले लेते हैं। बाकी आपको एक पूरी हार्ड डिस्क बनी बनाई डिजाइन की दे देंगे जिसमें आप बहुत सारे रेडीमेड डिजाइन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रेम वगैरह देखने को मिल रहा है, देखो तरह तरह के फ्रेम है, फ्रेम वगैरह भी ले सकते हैं, फ्रेम के साथ साथ फ्रेम को जोड़ने के लिए मशीनें भी आती हैं, मतलब ड्रिल मशीनें मिल जाती हैं और स्टेपलर मशीनें मिल जाती हैं, फ्रेम की बड़ी बड़ी कटिंग मशीन भी हैं, तरह तरह से कटिंग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और फ्रेम के बहुत सारे वैरायटी हैं, तो मतलब ये भी है। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं दिखा दे रहा हूँ, दिल्ली ओखला से हैं, ओखला दिल्ली में रहते हैं ये, और यहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो इनका यही बिज़नेस है, अगर आप लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं, फ्रेमिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, प्राइसिंग लेना चाहते हैं, तो फिर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी अभी
देखता हूँ मशीन के क्या प्राइस है। वैसे मशीन अलग अलग चीज़ों के, तो मशीन के तो नहीं बताऊँगा, इनका नंबर दे देता हूँ, उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर फ्रेमिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं। तो भैया ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, देख लो नंबर इनका है, मल्टीकॉम एक्सपोर्ट्स। उसमें तीनों टाइप के कनेक्टर हैं सर, तीनों कनेक्टर हैं। ये देखो ये है रिसीवर और ये ट्रांसमीटर है दोनों। हाँ जी, ये दोनों ट्रांसमीटर है ना, ये ट्रांसमीटर है, ये आप लोग क्या रिसीवर है। अच्छा, दोनों लेफ्ट राइट करके काम कर सकते हैं। बिल्कुल, आईफोन में भी करेगा। हाँ, ये आईफोन में करेगा, मोबाइल में करेगा। 3.5 mm जैक है इसका, जो ये उसमें भी क्या बोलते हैं कैमरे में भी आप, हाँ मोर देन। ये अच्छा है। और रेंज इसके जैसे आप एक्सपो से लोगे तो ये आपको 8,000 के समथिंग में पड़ जाएगा। अच्छा। प्री बुकिंग में। अच्छा। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। तो फ्री आपको कोई शिपिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। हाँ। तो फ्री 8,000 आप बुकिंग करा सकते हो, प्री बुकिंग आपकी हो जाएगी। अच्छा। तो आपको 8,000 में पड़ जाएगा। अदरवाइज आप लोगे तो 10,500 MRP इसकी, 12,500। और क्या मॉडल नंबर क्या होगा इसका? मॉडल नंबर गोयल लिंक नाम है इसका, गोयल लिंक। यहाँ तो इसमें नहीं है ना, अभी लेटेस्ट आया हुआ है। हाँ, लेटेस्ट है अभी, कल परसों का आया है। क्या बात है, इसके कंपनी। और ये आपका जो केस है ना, दो बार चार्ज होता है ऑनली। अच्छा, केस से दो बार चार्ज हो जाएगा और 7 hours तक चलेगा। बिल्कुल, यानी एक बार में 3.5 घंटे 14 घंटे बहुत हो जाएगा। अच्छा, एक बार में 7 घंटे चलेगा। क्या बात है, बढ़िया। तो दोस्तों, किसी भी तरीके का कोई माइक लेना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डाल दी है और यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। ये बोया से ही है, रीसेलर कहा जाएगा बोया का। तो जो भी लेटेस्ट ब्रांड आया वो भी अभी दिखाया हमने, बाकी हर तरीके का माइक यहाँ पे मिल जाता है। वॉल्यूम चेंज भी कर सकते हो। अच्छा, अभी स्टूडियो माइक दिखाने वाले हैं, दोनों चल जाएंगे। नहीं, ये हेडफोन का है ना, ये यूएसबी के लिए। ये देखो बोया का ये वाला माइक है और इसको दोनों तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी के थ्रू भी और 3.5 mm जैक के भी थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अभी प्राइस वगैरह पता करके बताता हूँ मैं, क्या प्राइस का ये मिलेगा और कैसी इसकी क्वालिटी वगैरह रहने वाली, देखते हैं। तो दोस्तों, ये वाला माइक जो भी देखा है हमने, ये लगभग 12,000 के समथिंग पड़ता है। इन्होंने कहा 11-12,000 के समथिंग पड़ जाएगा और इनके यहाँ से लोगे तो मतलब हाँ, माइक मस्त लगा यार मुझे भी। तो अगर माइक लेना चाहते हैं तो ऐसे इनसे कॉन्टेक्ट करना, थोड़े से सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे, सेम वो है कि ही माइक। तो भैया ये है खाना वाला सेक्शन। तो भैया यहाँ पे मिल रही है ये स्क्रीन, अभी तो पिक्सल हमें इसके दिख रहे हैं, मगर जब आपको बड़ा कुछ बनाना होता है, जैसे पूरा का पूरा बैकग्राउंड बनाना है, कहीं स्टेज वगैरह लगाना है, तो इतने बड़े बड़े स्क्रीन लगाने पड़ते हैं, तो वो भी बिजनेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिल रही है बड़ी बड़ी स्क्रीन, इसका भी प्राइस पता करते हैं अभी। सर, 4.8। तो भैया यहाँ की स्क्रीन का प्राइस है 2x2 की स्क्रीन आपको मिलती है 17,500 में, और लगभग 5-6 साल तो कहीं नहीं गए, 5-6 साल तो आराम से चलने वाली है, तो अच्छा बिजनेस निकाल के दे देंगे। और चाहे जितने जोड़ लो, चाहे जितनी बड़ी साइज का स्क्रीन आप बना सकते हैं इससे। नहीं बताना है, हमें ऊपर वाले ने इतना प्यारा मुंह दिया है, इतनी सुंदर सी आवाज दी है। कौन सा ऐसा कैमरा है जो वीडियो कैमरा बनाता? तो दोस्तों, अगर आप व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट कैमरा हो सकता है Z30 है निकॉन का, बहुत हल्का लाइट सा है और जूम भी दे रखा है, इसमें लेंस लगा रखा है भी, कौन सा 1650 का लेंस है, बड़ा सही सा लग रहा है ये सेट, मुझे बहुत लाइट है और मतलब फुल डे व्लॉगिंग कर सकते हैं, ऐसा थकने वाली बात नहीं आएगी इसमें। और Z30 आप लोग भी रेट चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कहीं पे भी निकॉन का, और ये 62,000 का पड़ रहा है, मुझे बड़ा बहुत सही लगा ये, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं और मिड लेवल के भी लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा। और प्रो नहीं हो आप और आप वीडियो बनाना चाहते हो, आप यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम के लिए, तो भाई बेस्ट लगा है मुझे। और अच्छी बात ये है कि पावर बैंक वगैरह से चार्ज कर सकते हैं उसको, और वाइड भी है काफ़ी, ये देखो जूम भी है थोड़ा 50 cm, और अच्छा खासा वाइड हुई है, सही लगा यार ये मुझे, बहुत लाइट है ये, बहुत लाइट है। और अगर यहाँ से लेना चाहते हो तो इनका कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह ये रहा, तो यहाँ कुछ ऑफ़र वगैरह भी आपको मिल जाएगा अगर आते हैं यहाँ पे, तो ये निकॉन पे आपको ऑफ़र, इस नंबर से आप बात कर लेना। और ये देखो ब्लॉगिंग जोन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, Z50 लगा हुआ है, Z30 लगा हुआ है। Z50 तो फोटोज़ के लिए ठीक है क्योंकि व्यू फाइंडर वगैरह है, और Z30 में व्यू फाइंडर और फ्लैश नहीं है, बाकी सब कुछ वही है, मेनली ये ब्लॉगिंग के लिए ही बना हुआ है। तो लो जी, अब आ चुके हैं फूजी फिल्म के यहाँ पे स्टॉल पे, और यहाँ देखते हैं अपन तो ब्लॉगिंग किट ही देखेंगे, वैसे तो ये बड़े बड़े कैमरे भी मिल रहे हैं यहाँ पे,
मगर अभी चलते हैं व्लॉगिंग किट के लिए, पूरा व्लॉग योर स्टाइल। तो दोस्तों अभी फूजी फिल्म का भी हमने देखा है और यहाँ पे 1,40,000 के आसपास इन्होंने एक मुझे व्लॉगिंग सेटअप दिखाया है जिसका नाम था XS20। और इन्होंने बोला है कि भैया XS20 का अगर कैमरा आपने चला लिया तो दूसरा कोई सा छूओगे नहीं। तो देखते हैं अभी, बाकी ठीक लगा है मुझे इनकी XS20 जो था, ये जो वो लगा हुआ है ना सेटअप, तो ये नया आया है। और प्लस इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें फ़ोटोज़ भी उतनी ही अच्छी आती हैं, और 1650 करके ऐसा ही कोई लेंस था साथ में। तो ये था इनका सेटअप, तो चलते हैं अभी अगला देखने के लिए। फिलहाल ये कैमरा भी ठीक था। तो भैया जियो इनके यहाँ पे क्रेन मिल रहे थे और गिम्बल मिल रहे हैं बड़े बड़े, और इनका प्राइस अप्रॉक्स स्टार्टिंग अभी जो दिखाया है मैंने वो 35,000 का था, बाकी अलग अलग रेंज के मिल जाते हैं। ये क्या है? ये नॉर्मल जितनी भी आपके पास जितनी भी लाइट है वो लाइट 25 to 30 watt तक की, ये 100 watt क्या है इसके, इसीलिए इसके पीछे इतने सारे फैन दिए हैं ताकि इसके बैंडल क्वालिटी आप इधर सब डेमो लगाया हुआ है। तो दोस्तों अगर फॉग मशीन लेना हो, ये जो अभी दिखाया है ये फॉग मशीन यहाँ पे 19,500 का है, और इसमें रिफिल करने वाला जो लगा हुआ है लिक्विड बहुत सस्ता है, 300 रुपये में है, जिसको लगभग 15 घंटे के लिए आप कर सकते हो। और वो देखो फैन है, फैन पे लगा के आप छोड़ देंगे तो स्मोक ही स्मोक हो जाएगा उस जगह पर, काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो भैया इसका यूज़ होता है प्री वेडिंग वगैरह में, स्मोक ही स्मोक कर देते हैं धुआं धुआं, और फिर जो ब्राइड होती है डांस करती रहे। ये देखो भैया यहाँ पे कोडेक की लाइट वगैरह मिल रही है, ये वाली जो लाइट देख रहे हैं ना ये 1200 रुपये का सिर्फ ये अम्ब्रेला है इसका, और अंदर जो लाइट है, लाइट पीछे जो लगी हुई है कोडेक की V125, ये लाइट का प्राइस 6,000 रुपये है, और बगल वाला जो है वो 8,000 रुपये का है, थोड़ा बड़ा इससे। तो ये था यहाँ पे कोडेक का प्राइस। बाकी डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी लाइट्स हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप ले सकते हैं, लाइट अच्छी खासी लग रही है। ये भैया कैमरे का बैग वगैरह यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे बैग ले सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट, जितने कैमरे रखने के लिए चाहिए, 2-3-4 कैमरे के लिए, उस हिसाब से बड़े बड़े बैग हैं यार, बहुत जंबो बैग हैं। और यहाँ पे अपने कैमरा मैन के कोट भी मिल रहे हैं, यानी बहुत सारे जेब वाले अलग अलग आइटम रख सकते हैं, बैटरी वगैरह। ये देखो ये जो टेक्सचर प्रिंट हो रहा है ना, ये टेक्सचर प्रिंट कर रही है ये मशीन, और ये इन्होंने टेक्सचर कमांड यहाँ से दिया है, वो टेक्सचर वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये देखो जितने भी एम्बोसिंग वाला काम होता है ना, एम्बोस होता है, तो सारी की सारी एम्बोसिंग यहीं पे कर रहे हैं। और ये देखो फील कराता हूँ मैं आपको वीडियो के अंदर कैसे ये उभरी की फ़ोटोज दिखती हैं, और इनको जो उभारने का काम करता है ये मशीन करता है। एम्बोसिंग वाली मशीन थी 15 लाख की थी, और ये शीशे पे भी कर देगी, लेदर पे भी कर देगी, पेपर पे तो करती ही है, मतलब कहीं पे भी कुछ भी एम्बोस करना है ना आपको, उभरा सा प्रिंट करना है वो कर सकते हैं इस मशीन से। काफ़ी बढ़िया मशीन लगी यार मुझे ये, और दिल्ली से ही है, दिल्ली में ही सर्विस वगैरह इसकी मिल जाती है, तो जिसको लेना हो ये एम्बोस मशीन भी ले सकता है, अच्छा बिजनेस है ये भी। तो दोस्तों यहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है, मतलब आपको अगर टी शर्ट वगैरह चाहिए, आपको ये कुशंस वगैरह चाहिए, या फिर आपको ये गुड्डे वगैरह चाहिए, तो इन सबको ख़रीद सकते हो। अगर गिफ्ट शॉप वगैरह आपकी है तो प्रिंटिंग मशीन तो यहाँ पे मिल ही रही है, साथ साथ यहाँ पे रॉ मटेरियल भी मिल जाता है। तो ये है इनका एड्रेस वगैरह, अभी तो एग्जीबिशन में इन्होंने लगा रखा है, 55 रुपये में टी शर्ट देंगे भाई साहब नायलॉन की, ड्राई फिट टी शर्ट मिलेगी आपको सिर्फ 75 रुपये में, मतलब ये समझ रहे हो, अगर आप बल्क में लेते हैं और काम करते हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो बहुत सस्ते में आपको ये सारे आइटम मिल जाते हैं। देखो पिलो वगैरह 150-150 रुपये, 100-100 रुपये में हैं, 170 रुपये में पिलोज़ हैं, बहुत सारे हैं। ये है इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इंक्वायरी कर लेना, इंक्वायरी करके आप लोग मंगाना चाहते हैं मंगा भी सकते हैं, हर जगह लगभग डिलीवर कर ही देते हैं ये लोग पूरे भारत में, बस डिलीवरी चार्ज लगेगा अदर स्टेट में होगा तो ये सारे आइटम है देख लो। तो दोस्तों ये जो 360 वाली मशीन है 55,000 रुपये की मिल जाती है, जिसके अंदर स्मोक वगैरह सब कुछ मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगा यार मुझे ये वाली मशीन, मस्त वाली भीड़ लगी पड़ी है लेने के लिए, देखने के लिए लोगों की। और ये लाइट वगैरह भी बेचते हैं, तो फिलहाल मैंने अभी 360 का रेट ही पूछा, कई सारे 360 हैं, इनका कार्ड दिखा देता हूँ आप देख लेना अगर किसी को मंगाना है ये बिज़नेस करना है तो। ये देख लो भाई साहब, ये रहा इनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट कर लेना अगर जिसको लेना है, बाकी देख लो किस किस चीज़ में डील करते हैं, कई सब चीज़ों में डील करते हैं। ये देखो भैया हाथों में जो बैंड बांधते हैं उसकी भी मशीन यहाँ पे है, और ये प्रिंट यहाँ पे हो रहा है,
भाई ये मशीन क्या प्राइस होगी? 1,35,000 की। और कितना फास्ट प्रिंट कर देते हो, कितना एक घंटे में कितना प्रिंट करते हो, ऐसा कुछ एवरेज? 40 सेकेंड में एक मतलब 13 पीस होगा। और ये कपड़े भी प्रिंट करती है? कपड़े वाली प्रिंट। अच्छा ये तो क्या है, ये कपड़ा ही लगा हुआ है ना इस पर? अच्छा रिबन प्रिंट करती है। और पेपर भी प्रिंट करती है? पेपर अच्छा। तो दोस्तों इनके यहाँ पे देखो बहुत तरीके की प्रिंटिंग की मशीन है। ये देखो रिबन वगैरह कितने लेनियार्ड टाइप के, जैसे बेल्ट में, टाई में, स्कूल के भी कपड़ों में, इन सब में प्रिंटिंग होती है ना, उन सब का प्रिंटिंग का सामान इनके यहाँ मिल जाता है। और इनका नंबर वगैरह देखते हैं, अरे भाई साहब की वगैरह, की चैन वगैरह, इन सब पे प्रिंटिंग करनी हो या फिर ये मेटेलिक जो बैच वगैरह बनते हैं वो सब प्रिंट करना, वो सारा कुछ मिल जाता है। तो ये है भैया इनका हरप्रीत जी का नंबर, और ये नंबर देख लो, इस पर कॉल करके आप इस तरीके की मशीनें अगर आपको चाहिए तो वो सब यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पे। बाकी अगर आप आ रहे हैं तो आके फोटो वीडियो फेयर में तो देख ही सकते हैं। ये देखो भैया अभी 360 नीचे से रिकॉर्ड होता था, अभी ये 360 ऊपर से रिकॉर्ड होता है। ऊपर लगा दो, बीच में खड़े हो जाओ, रिकॉर्डिंग करेगा ये भैया। ये 360 वालों का नंबर है, कॉल करके भी आप लोग बात करके जानकारी ले सकते हैं। ये देख लो, बाकी ये रहा इनका 360 जिसमें कैमरा भी लग जाता है, काफ़ी हैवी है। 70,000 का ये ऊपर वाला कैमरा वो था इनका 360 जो ऊपर टांग देते हैं ना ये वाला। तो दोस्तों अगर आप वेडिंग एल्बम वगैरह डिज़ाइन करते हैं यानी शादी की एल्बम्स बनाते हैं या फिर फ़ोटो रिटच करते हैं यानी एडिटिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बने बनाए फ़ोटो फ्रेम जिसके अंदर आपने फ़ोटो डालो, एल्बम तैयार। तो ये जुगाड़ वाला काम है जो देसी गाँव में बनते थे, और अब तो मॉडर्न में भी आपको बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे मिल जाएंगे जिनका आप यूज़ करके बहुत आसानी से वेडिंग के एल्बम डिज़ाइन कर सकते हैं खुद ही घर बैठे बैठे। तो बने बनाए डिज़ाइन ये लोग बेचते हैं। तो ये घूमते फिरते अब आ गए हैं सोनी के स्टॉल पे, और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ बहुत बड़े बड़े लेंस हैं जो हम नॉर्मली यूज़ भी नहीं करते। ये देखो भाई देखने में बड़ा अच्छा लगता है ये। ये देखो 4K किट है अपना, ये व्लॉगिंग किट लगे हुए हैं यहाँ पर, ये व्लॉगिंग किट लगे हुए हैं सस्ते वाले किट। तो दोस्तों बहुत सारे स्टॉल मैंने आपको दिखाए और बहुत कुछ हमें भी देखने को मिला, सीखने को मिला, और फोटो और वीडियो से रिलेटेड जितने भी बिजनेस होते हैं सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाता है। और ये जो फेयर है फोटो वीडियो फेयर एशिया का, मतलब कहा जाए पूरे एशिया का एक मेला लगता है एशिया लेवल पे, और यहाँ पे लगभग सारे ही ब्रांड देखने को मिले हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया। बाकी जो नहीं दिखा पाया वो आप लोग आके खुद देख सकते हैं। अभी 2-3 दिन लगा हुआ है, 1 तारीख तक चलेगा ये, 1 अक्टूबर तक, और हर साल लगता है। तो मतलब इस साल नहीं देख पाओगे तो अगले साल देख लेना। लास्ट ईयर भी मैंने कवर किया था, लोगों ने बड़ा प्यार दिखाया था इसलिए फिर से कवर किया। अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, दिल्ली के ऐसे मज़ेदार वीडियोस को मैं लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं ऐसे मज़ेदार नए ब्लॉग के साथ, देखते रहिए इसी दिल्ली ब्लॉग। बाय बाय।